वॉर्म होल्स इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर इन दो पॉइंट्स को देख सकते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, तो आप बेसिकली इस स्ट्रेट पाथ को बोलेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर मैं इस पेज को ठीक ऐसे मोड़ दूं, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये काफ़ी क्लोज आ गए और हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी काफ़ी कम सेकंड्स में इस जगह से जा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से बिल्कुल होते हैं हमारे वॉर्म होल्स। दोस्तों, इसी पेज के जैसा हमारा स्पेस है एक चद्दर की तरह, और वो जो है ग्रेविटी के द्वारा मैनिपुलेट हो पाता है। दोस्तों, वॉर्म होल का कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड सर रॉजर्स द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको आइंस्टाइन रॉजर्स ब्रिज भी कहा जाता है। वैसे तो इसका कोई रियल लाइफ प्रूफ या फिर कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसको थ्योरेटिकली प्रूफ भी किया गया है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे साइंटिस्टों ने लैब में एक वॉर्म होल बना लिया है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आप इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। तो हमारे साइंटिस्टों ने एक तरह का वॉर्म होल अपने लैब में बना लिया है। वो वॉर्म होल ग्रेविटी के द्वारा मैनिपुलेट नहीं होने वाला है, बल्कि वो जो वॉर्म होल है एक तरह का मैग्नेटिक वॉर्म होल है। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के साइंटिस्टों ने मेटा मटेरियल से बने एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर को बनाया, जिसके अंदर उन्होंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को रखा। यह एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में खुद को परमानेंटली मैग्नेटाइज कर लेता है। इससे हुआ ये कि ट्यूब के एक एंड से भेजी गई हुई मैग्नेटिक फील्ड ट्यूब के दूसरे एंड पर पहुंच जाती है, वो भी अनडिटेक्टेड। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को बिना किसी मैग्नेट के मूव किए हुए इधर से उधर नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि वो ना ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कर्वली मूव करते रहती हैं। एक ऐसी चीज बनाना जो कि मैग्नेटिक फील्ड को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाया जाए, वो भी बिना डिटेक्टेड हुए, इसी को हम लोग मैग्नेटिक वॉर्म होल भी कहते हैं। जस्ट लाइक इसी तरह से एक ग्रेविटेशनल वॉर्म होल भी काम करता है, जो कि हमें स्पेस के एक एंड से स्पेस के दूसरे एंड पर ले जाया जा सकता है, वो भी काफी कम टाइम में, वो भी बिना डिटेक्टेड हुए। दोस्तों, अभी तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से हमारा साइंस डेवलप्ड हो रहा है, फ्यूचर में ऐसी चीजें बना ली जाए जिससे एक ग्रेविटेशनल वॉर्म होल का भी खोज किया जा सके, जो कि हमें टाइम ट्रैवल जैसी चीजों में भी मदद कर सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी नासा के अपोलो 13 मिशन के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा मिशन था जिसमें नासा के 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाकर के फंस गए थे, और बीच स्पेस में उनका ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया था। आखिर वो किस तरह से बच करके वापस पृथ्वी पर आए, इसकी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में की है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा, इस पर क्लिक करके अभी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी स्पेस से जुड़े या फिर बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ों से जुड़े वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।